और केसरिया चावल उन्होंने लिए खुशी से, वो लोग घर घर केसरिया चावल अपने जनता को बांटेंगे जजमानी में, और भारतीय जनता पार्टी को वोट के लिए अपील करेंगे। पर निश्चित ही जो है उत्तर प्रदेश की जो जनता, किसान, युवा, नौजवान, उनकी रुझान सिर्फ एक ही निशान, कमल निशान, कमल निशान, कमल निशान। तो माननीय मोदी जी का नेतृत्व केंद्र में और राज्य में योगी आदित्यनाथ जी का नेतृत्व को स्वीकार करते हुए उनके चेहरे पे पूर्ण बहुमत से दोबारा 2022 में फिर से बीजेपी सरकार, लोगों की इच्छा है और पूर्ण बहुमत से बीजेपी सरकार आएगी। सिर्फ अपना भला और अपने आप का भला, ये खिचड़ी सरकार की ओर उत्तर प्रदेश को ले जाना चाह रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफुल्लाह और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। प्रदेश में चुनावी बिगुल बज चुका है, सभी पार्टियों ने अपनी ताकत झोंकनी शुरू कर दी है। ऐसे में बीजेपी की नई दर्जा प्राप्त मंत्री सोनम किन्नर चुनाव में अपनी जी जान से जुटी हुई हैं। सोनम किन्नर एक रणनीति के तहत काम कर रही हैं ताकि वो किसी भी हाल में बीजेपी को जिता सके। आखिर क्या है उनकी रणनीति, इसके बारे में जानने के लिए हमारे संवाददाता खुर्शीद खान राजू ने सोनम किन्नर से मुलाकात की। इस वक्त हम विक्रमादित्य मार्ग पर सुश्री सोनम किन्नर, जिन्हों अभी भाजपा ने दर्जा प्राप्त मंत्री का इन्हें पद दिया है और किन्नर आयोग का उपाध्यक्ष बनाया है। अब जैसा कि उत्तर प्रदेश में चुनाव की घोषणा हो चुकी है, पहला मतदान की तिथि आ चुकी है, 14 जनवरी से लोग नामांकन करना शुरू कर देंगे और 10 फरवरी को प्रथम चरण का मतदान होगा। तो ऐसे में हम इनसे जानेंगे कि भाजपा के लिए और भाजपा को जिताने के लिए विपक्षियों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए इन्होंने क्या रणनीति बनाई है। तो सोनम जी, आपका हमारे चैनल बहुत बहुत स्वागत है। आपके चैनल को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएँ करती हूँ मैं। आप आए मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता होने के नाते माननीय श्री सुनील बंसल जी का मैं आभार व्यक्त करती हूँ, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री स्वतंत्र देव सिंह जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का, जो विश्वास संगठन ने हम पे जताए और मुझे नॉमिनेट किए हैं किन्नर कल्याण बोर्ड की उपाध्यक्ष पब्लिक राज्य मंत्री नॉमिनेट। तो मैं जब से मैं नॉमिनेट हुई हूँ तब से मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य कर रही हूँ। 9 जनवरी 2022 को 5000 किन्नर, लगभग 5000 संख्या में किन्नर महासम्मेलन में जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में किन्नर समाज बीजेपी ज्वाइन किए और केसरिया चावल उन्होंने लिए खुशी से, वो लोग घर घर केसरिया चावल अपने जनता को बांटेंगे जजमानी में और भारतीय जनता पार्टी को वोट के लिए अपील करेंगे। पर निश्चित ही जो है उत्तर प्रदेश की जो जनता, किसान, युवा, नौजवान, उनकी रुझान सिर्फ एक ही निशान, कमल निशान, कमल निशान, कमल निशान। अभी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में लोगों की इच्छा है, माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी यूपी के राज के लोगों की, 24 करोड़ राज्य की जनता की इच्छा है। तो माननीय मोदी जी का नेतृत्व केंद्र में और राज्य में योगी आदित्यनाथ जी का नेतृत्व को स्वीकार करते हुए उनके चेहरे पे पूर्ण बहुमत से दोबारा 2022 में फिर से बीजेपी सरकार, लोगों की इच्छा है और पूर्ण बहुमत से बीजेपी सरकार आएगी। यह विपक्षी पार्टी सिर्फ अपना भला और अपने आप का भला, ये खिचड़ी सरकार की ओर उत्तर प्रदेश को ले जाना चाह रहे हैं और फिर बाद में लूट खसोट हो,
मन मुताबिक लोग खिचड़ी बनावें, तो इस चीज़ को जनता रोकने का काम चालू करेगी। आपको हमारी खबरें कैसी लगी इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारी ये खबरें फेसबुक पर देख रहे हैं तो उसको लाइक और फॉलो करें, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। नमस्कार।